हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसका नाम है क्रेमर्स रूल। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, साथ ही साथ आपके कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्रेमर्स रूल। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसका सवाल भी बहुत ही अच्छा है। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले आप लिखिए एक्सरसाइज 8.2, टॉपिक का नाम है क्रेमर्स रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब उसका प्रयोग, उसका यूज कैसे होगा हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। सबसे पहले आप मानिए, लेट ध्यान दीजिएगा, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक को हम मान लेते हैं a1x + b1y = c1, पहला इक्वेशन। दूसरा मान लिया a2x + b2y = c2, ये हमने दूसरा मान लिया, ठीक है। पिछला, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी सेम यही बात था, लेकिन वहां पर जो हम एक्स वाई का मान निकालते थे तो वहां पे हम एडजॉइंट का प्रयोग करते थे और वहां हम एक्स बराबर लिखते थे a इनवर्स b, फिर a इनवर्स बराबर होता था एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, सवाल वही रहेगा लेकिन बनाने का तरीका अलग होगा। आपको क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करना है। अब देखिए क्रेमर्स रूल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। दो इक्वेशन है, है ना, पहला a1x + b1y = c1, दूसरा a2x + b2y = c2। अब हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बटे b2c1 - b1c2 = y बटे, ध्यान दीजिएगा, y बटे हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बटे हम लोग कह सकते हैं a2c1 - a1c2 = 1/a1b2 - a2b1। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, दो इक्वेशन है, इसको हमने किस फॉर्म में तोड़ा, x = b2c1 - b1c2 = y = a2c1 - a1c2 = 1/a1b2 - a2b1, ठीक है, ऐसा हमने लिखा। अब देखिए इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जरा गौर करिए कि स्टेप और आगे आइए। एक्स बटे ये जो आपका है b2c1 - b1c2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट, पहला कॉलम में लिख दिया c1 c2 और दूसरा कॉलम में हमने लिख दिया b1 b2, ध्यान दीजिएगा, लिख दिया। अब सोचो इसको अगर तोड़ते तो क्या होता, c1 b2 या b2 c1 - b1 c2, है ना, b2 c1 - b1 c2, इसी को हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा। टू ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को तोड़ने का नियम क्या है, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो x बटे नीचे हम देखिए c1 c2 b1 b2 हो गया, x / c1 c2 b1 b2 लिख दिया, बराबर y बटे हम क्या लिखेंगे, y/, इसको भी आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिए। डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हैं ये आपका कैसा होगा, पहले देखिए a2c1 - a1c2, तो पहले हम इसको लिख देते हैं a1 a2, फिर हमने लिख दिया c1 c2। अगर आप देखोगे इसको, है ना, तो अगर आप इसको ना पहले इसको लिख दो y बटे, तो a1 c2 - y बटे लिखोगे तो a1 c2 - a2 c1, है ना, ऐसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, a2 c1 - a1 c2, इसको ऐसा लिख लीजिए y बटे a1 c2 - a2 c1, ठीक है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। देखिए करते क्या है, एक्चुअल में जब x का मान निकालते हैं x वाले को ढक देते हैं और इसके जगह पे हम लिख देंगे कांस्टेंट को c1 c2 को, और रेस्ट जो बच गया b1 b2 यहाँ आ गया आया। अब जब y का मान निकालना है, y वाले को ढक दो, पहले क्या हो गया a1 a2 लिख दिया, a1 a2, उसके बाद आ गया c1 c2, ठीक है, उसके बाद बराबर 1, जब बराबर 1 है तो 1 बटे, तो कांस्टेंट वाले को ढक दीजिए, रेस्ट क्या बचा a1 a2 b1 b2, इसको हम डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे a1 a2 b1 b2,
लिख दिया a1 a2 और b1 b2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा बात वही है, ये चीज वही है, लेकिन उसको कैसे लिखा गया है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा, x बटा b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर y बटा a1 c2 माइनस a2 c1 y बटा a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा x बटा अगर कभी आप भूल गए तो ध्यान रखना x बटा किसको लिखेंगे, इसको तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा सवाल में, x बटा x को ढक लीजिए, क्या सब बचा, जो भी बचा x के जगह पे इसको लिख दो, c1 c2 को लिखा, अब y को ढक दिया, क्या बचा आपका a1 a2 और इसके जगह पे लिख देंगे c1 c2, लिख दिया c1 c2, फिर इसको ढक देंगे तो 1 बटा a1 a2 और b1 b2 हो गया। बोले कोई तकलीफ का बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आइए, अब डिटरमिनेंट को प्राय डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, x बटा जो है इसको आप मान लीजिए डेल 1 बराबर y बटे जो है इसको आप मान लीजिए डेल 2 बराबर 1 बटे जो है उसको आप मान लीजिए डेल x बटे डेल 1 बराबर y बाय डेल 2 बराबर हो गया 1 बाय डेल। बोलिए कोई तकलीफ का बात है क्या, लिख सकते हैं x बाय डेल 1 बराबर y बाय डेल 2 बराबर 1 बाय डेल। ठीक है, अब अगर हम देखिए ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, x बाय डेल 1 इसको हमने डेल 1 कहा बराबर y बाय डेल 2 बराबर 1 बाय डेल। ठीक है, अब अगर हम एक्स वाई का मान निकालना चाहेंगे तो हम कंपेयर करेंगे, है ना। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा अगेन, आप क्या लिख सकते हो सर, x बाय डेल 1 बराबर 1 बाय डेल। ध्यान दीजिएगा x बाय डेल 1 बराबर जब 1 बाय डेल कहोगे उस टाइम में आपका x बराबर क्या होगा, डेल 1 बाय डेल x, आपका डेल 1 ऊपर चला जाएगा, x बाय डेल 1 बराबर 1 बाय डेल, x बराबर क्या होगा, डेल 1 बाय डेल, x बराबर क्या होगा, डेल 1 बाय डेल। ठीक है, फिर आपका जब y का बात कहोगे तो y बाय डेल 2 बराबर क्या है, 1 बाय डेल, y बाय डेल 2 बराबर क्या है, 1 बाय डेल। ठीक है, इस टाइम में y निकालना चाहोगे तो y बराबर क्या होगा, डेल 2 बाय डेल, y बराबर क्या होगा, डेल 2 बाय डेल। बोलिए यस या नो, होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं सर, x बराबर होगा डेल 1 बाय डेल, x बराबर क्या होगा, डेल 1 बाय डेल, साथ ही साथ y बराबर क्या होगा, डेल 2 बाय डेल। अब एक बात बताइए, कोई चीज भागा में है, क्या नीचे वाला कभी जीरो होगा क्या, x बराबर है डेल 1 बाय डेल, y बराबर क्या है, डेल 2 बाय डेल, अब नीचे में क्या है, डेल, डेल तो कभी जीरो नहीं होगा, जो नीचे वाला जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर है डेल 1 बाय डेल, y बराबर है डेल 2 बाय डेल, तो यहां पर आप याद रख लेना ये डेल का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, एक्स का मान हो गया डेल 1 बाय डेल, वाई का मान हो गया डेल 2 बाय डेल। यानी अगर दो इक्वेशन इस तरह से दिया रहेगा तो हम पहले निकाल लेंगे डेल 1 डेल 2 डेल, कैसे, डेल 1 निकाल लेंगे c1 c2 b1 b2, डेल 2 निकाल लेंगे a1 a2 c1 c2, डेल निकाल लेंगे a1 a2 b1 b2। ठीक है, है ना, तीनों जब निकल जाएगा तो x बराबर डायरेक्ट बोल देंगे डेल 1 बाय डेल, और y बराबर डायरेक्ट क्या बोल देंगे, डेल 2 बाय डेल, x बराबर आपका हो जाएगा डेल 1 बाय डेल और y बराबर हो जाएगा डेल 2 बाय डेल। लेकिन डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब कहोगे सर अगर डेल जीरो हो गया तब उसके लिए आगे कॉन्सेप्ट है, अभी हम बताएंगे इसके बाद दो चार मिनट बाद। ठीक है, तो पहला हमने क्या सिखाया, x बराबर डेल 1 बाय डेल, y बराबर डेल 2 बाय डेल, फिर से देख लो डेल कैसे निकालोगे। पहला बात, डेल का मतलब क्या हो गया, a1 a2 b1 b2, देखो ये आपका डेल हो गया, डेल का मतलब क्या है, a1 a2 b1 b2। अब डेल 1, डेल 1 कैसे निकालेंगे, इस x के लिए डेल 1 यूज होता है ना, जिसको हम ढक देंगे, इसके जगह पे c1 c2 रख देंगे, तो c1 c2 b1 b2 ये आपका डेल 1 हो गया, ये आपका डेल 2 हो गया, डेल 2 कैसे हो गया, इसको ढक दिया तो a1 a2 है इसकी जगह पे आ गया c1 c2, ये आपका डेल 2 हो गया, तो डेल 1 डेल 2 डेल, तो x बराबर होगा डेल 1 बाय डेल और y बराबर आपका होगा डेल 2 बाय डेल, x बराबर क्या होगा डेल 1 बाय डेल और y बराबर क्या होगा डेल 2 बाय डेल। बोलो कोई तकलीफ का बात है, x बराबर क्या होगा डेल 1 बाय डेल और y बराबर क्या होगा डेल 2 बाय डेल। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ का बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात होगा आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाइए एक छोटा सा बात, हमने कहा डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए कैसे, हाँ
क्योंकि डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। डेल का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए वन ए टू और बी वन बी टू नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मान जीरो के बराबर नहीं होगा। अब बताओ इस डिटरमिनेंट को कैसे तोड़ते हैं? इसको तोड़ने का नियम होता है मेन डायगनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मतलब ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मान जीरो के बराबर नहीं होगा। ए वन बी टू और माइनस ए टू बी वन का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं है? कहने का मतलब है ए वन बी टू का मान ए टू बी वन के बराबर नहीं होगा। समझ गए बात को? यानी हम लोग कह सकते हैं ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, यानी ए वन बाय ए टू का मान b1 वन बाय बी टू के बराबर नहीं होगा। बोलो a1 वन बाय टू का मान b1 वन बाय बी टू के बराबर नहीं होगा। बोलो एनी प्रॉब्लम है? अब याद करो जब आप टेंथ में पढ़ते थे तो आप टेंथ क्लास में आपने सीखा था दो इक्वेशन है a1x वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, दूसरा a2x टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। आपने सीखा था किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, कब यूनिक सोल्यूशन होगा? जबकि a1 वन बाय टू का मान b1 वन बाय बी टू के बराबर नहीं होगा। यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय होगा। याद आ रहा है ना? वही कॉन्सेप्ट है सेम यहाँ पे, ठीक है? तो क्रेमर्स रूल में आपने क्या देखा, ये बचा वाला चीज देखा कि दो लीनियर इक्वेशन रहेगा दो वेरिएबल का, तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। और यही दो सवाल को आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा कि डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं एक्स बराबर कैसे, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए गुना बी, समझ गए? तो वो भी बात है, लेकिन ये किसके लिए है? पिछला चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल का यूज करेंगे। क्रेमर्स रूल मतलब x बराबर डेल वन बाय डेल y बराबर डेल टू बाय डेल, ओके? ठीक है, समझ गए बात को? तेजी से आप इसको लिख लीजिए भैया। पाए सब? लिख पाए सब? यहां एक लाइन आठ जाएगा हमको लगता है, यहां पे लिख लीजिए अभाव रूल इज नॉन एज क्रेमर्स, ठीक है? इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेमर्स रूल आ रहा है। जल्दी करिएगा, लिख पाए सर? विश्वास करते हैं इसको आप लिख चुके होंगे। चलिए मिटा दे। अब सेम चीज होगा, लेकिन अभी आपने क्या देखा, दो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। अभी हम देखेंगे अब थ्री लीनियर इक्वेशन होगा और थ्री वेरिएबल होगा। समझ गए बात को? आप यहां लिखिए कि सॉल्यूशन ऑफ
यहाँ पे लिखे लेट थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। इससे पहले आपने दो वेरिएबल वाला देखा, दो लीनियर इक्वेशन है, अब थ्री लीनियर इक्वेशन है थ्री वेरिएबल वाला। इसको आपने पिछले इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, लेकिन वहां बनाने का तरीका क्वेश्चन का अलग था। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, क्रेमर्स रूल से। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें क्रेमर्स रूल में हम लोग एक्चुअली डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए थ्री लेट थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। पहला मान लीजिए है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, मान लो ये पहला इक्वेशन है। दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, ये क्या है दूसरा। अब तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री, ये क्या होगा तीसरा, जरा गौर करो। पहला हमने क्या लिखा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, दूसरा क्या लिखा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, तीसरा क्या लिखा ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, समझ गए बात को। अब हमको एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल का मान निकालना। आपको बता दें इसका मान निकालने के लिए भी वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, x बराबर डेल वन बाय डेल वाई बराबर डेल टू बाय डेल जेड बराबर डेल थ्री बाय डेल। लेकिन सवाल उठता है ये आपका डेल वन डेल टू डेल थ्री डेल क्या सब होगा, जरा गौर करिएगा। जैसा बताया था दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला में, वैसे ही होगा टू लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल वाले। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमारा डेल क्या होगा, जरा गौर करो। डेल आपका होगा देखिए कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। तो डेल बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए x1 का कोफिशिएंट क्या a1, y1 का b1, z1 का c1, फिर यहाँ देखिए x का नीचे में a2, फिर b2, फिर क्या है c2, उसके बाद देखिए a3, फिर क्या है b3, फिर क्या है 3 3, ये सब सब डिटरमिनेंट है, ठीक है, डिटरमिनेंट है। इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसी को हमने कहा है डेल, डेल कहा, ठीक है। सबके नीचे ये होगा एक्स का मान होगा डेल वन बाय डेल वाई का मान, डेल टू बाय डेल जेड का मान, डेल थ्री बाय डेल, आगे नेचर बताएंगे उसका। ये आपका हुआ डेल, ठीक है। अब सवाल उठता है डेल तो सर समझ गए, डेल वन कैसे निकालेंगे, देखो डेल वन कैसे निकालेंगे, ठीक है। डेल वन का इस्तेमाल होगा एक्स का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए एक्स का। तो माने मान एक्स वाले को आप ढक दीजिए, एक्स का मान निकालने के लिए डेल वन का यूज होगा, तब एक्स वाले को मनीमन ढक दीजिए। एक्स वाले को मनीमन ढक दोगे, अब इसको ढक दोगे तो ये तो बचेगा देखिए एक दो एक दो एक दो, यानी दो ठो दो कॉलम तीन रो, तो डिटरमिनेंट ही नहीं होगा। तो एक्स वाले को ढक दोगे और इसके जगह पे ये कांस्टेंट को लिख दोगे, किसको लिख दोगे कांस्टेंट को। यानी अगर डेल वन का बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम डेल वन के जगह पर लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ, एक्स के जगह पर लिखेंगे कांस्टेंट को डी वन डी टू डी थ्री, डी वन डी टू और डी थ्री। एक्स के जगह पे किसको लिख दिया, इसके जगह पे किसको लिख दिया डी वन डी टू और डी थ्री को, क्योंकि एक्स का मान निकालना, बाकी सबको हू बहू, यानी बी वन बी टू बी थ्री, उसके बाद क्या लिखा सी वन सी टू सी थ्री, बाकी सबको हमने हू बहू उतार दिया। ये आपका हो गया डेल वन, बोलिए डेल वन हुआ। डेल वन को हमने कैसे लिखा डी वन डी टू डी थ्री, फिर हमने लिखा B1, B2, B3, फिर हमने क्या लिखा C1, C2, C3, आपका डेल वन निकल गया। कोई तकलीफ एक्स निकालने के लिए डेल वन का यूज। तो डेल टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल टू का यूज होगा वाई निकालने के लिए। तो डेल टू का मान के लिए हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ सेम ए वन ए टू ए थ्री, ध्यान दीजिएगा ए वन ए टू ए थ्री लिख दिया। अब चूंकि वाई निकालने के लिए इसका यूज होगा, तो मनी मनी आप वाई वाले को ढक दीजिए, y वाले को ढक दोगे, y वाले को ढक दिया और इसके जगह पे लिख दिया d1 d2 d3 को, a1 a2 a3 d1 d2 d3 लिख दिया, ठीक है।
और तीसरा में फिर सी वन सी टू सी थ्री लिख दिया। देखिए ये आपका हो गया डेल टू, क्या हो गया आपका डेल टू, समझ गए बात को। उसके बाद आइए डेल थ्री में, डेल थ्री का यूज किसके लिए करोगे, जेड निकालने के लिए। तो सब कुछ सेम रहेगा, खाली जेड वाले को ढक दीजिएगा और उसके जगह पे आप किसको लिख दोगे, डी वन डी टू डी थ्री को। देखो ये आपका जेड वाला है, जेड वाले को ढक देंगे और इसके जगह पे हम किसको लिख देंगे, डी वन डी टू डी थ्री को। तो डेल थ्री का मान निकालने के लिए हम लोग किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ए वन ए टू ए थ्री, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी वन बी टू बी थ्री, फिर हम लोग क्या लिखेंगे डी वन डी टू और डी थ्री। बोलिए कोई आपत्ति का बात है, ये आपका डेल थ्री हो गया। तो डेल थ्री के जगह पे क्या लिखा, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री, है कि नहीं है, समझ गए बात को। फिर से समझ जाओ x कैसे निकाला, x वाले को ही डेल वन कैसे निकाला, x वाले को ढक दो, इसके जगह पे लिख दो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब डेल टू निकालोगे तो y वाले को ढक दो, तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 b1 c1 c2 c3, y वाले को ढका तो इसके जगह पे इससे भरेंगे, जिसको ढकेंगे उसके जगह पे d1 d2 d3 से भरेंगे। अब z के लिए इसको ढक दो, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, सेम इसमें भी आप कर सकते हैं। डेल वन निकालोगे इसको ढक देना, इसके जगह पे लिख देना d1 d2 d3। देखो जब हमने डेल वन निकाला तो इसको ढका, इसके जगह पे हमने क्या लिखा d1 d2 d3। जब हमने डेल टू निकाला इसके जगह ढका, इसके जगह पे लिखा d1 d2 d3। जब हमने डेल थ्री निकाला इसको ढका, इसके जगह पे हमने लिख दिया d1 d2 d3। बोलिए कोई आपत्ति का बात है, कोई आपत्ति का बात नहीं है, विश्वास करते इसको आप आसानी से समझ चुके हैं। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ठीक है। अब आइए अब लिखिए बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल का प्रयोग करके क्या लिखेंगे, एक्स बराबर डेल वन बाय डेल कोमा वाई बराबर डेल टू बाय डेल, तीसरा जेड बराबर डेल थ्री बाय डेल। अब आप तुरंत कहोगे सर डेल तो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेल का मान अगर जीरो होगा तो नीचे में जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर क्रेमर्स रूल में डेल का मान जीरो होगा उसके लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखोगे जब डेल का मान जीरो होता है, पहला बात जब डेल का मान जीरो नहीं होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, लेकिन जब आपके डेल का मान जीरो होता है तो वहां हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर डेल वन डेल टू डेल थ्री निकालते हैं। और जब डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों जीरो हो जाता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और जब डेल वन डेल टू डेल थ्री में कोई एक भी ऐसा हो जीरो नहीं हो तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आगे हम दिखाएंगे उस पर कॉन्सेप्ट, अभी आप तेजी से इसको लिख लीजिए। लिख पाए सब, बच्चों के मन में ऐसा प्रश्न होगा सर x बराबर डेल वन बाय डेल ही क्यों हुआ, y बराबर डेल टू बाय डेल ही क्यों हुआ, तो है ना z बराबर डेल थ्री बाय डेल ही क्यों हुआ। चलिए उसका आंसर हम आपको बताते हैं, इसका प्रूफ हम आपको आपके लिए स्पेशली बताते हैं, जरा गौर करिएगा ठीक है। चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे हुआ, यहां हम लिखते हैं प्रूफ प्रूफ ठीक है। देखिए सबसे पहला बात, जैसे हम x को प्रूव करते हैं x बराबर डेल वन बाय डेल, ठीक है। आप लिखो चुकी आपको क्या सिखाया गया, सर डेल वन बराबर होता है, डेल वन बराबर क्या होता है भैया आपको हमने सिखाया है ना, डेल ये डेल वन बराबर आपका होगा डी वन डी टू डी थ्री, बोलिए बताया है कि नहीं है, डी वन डी टू डी थ्री ठीक है। या उसके बाद या इधर लिखो, पहले आप लिखो चुकी डिटर्मिनेंट ऑफ,
पहले क्या लिखोगे? D1, D2, D3, उसके बाद B1, B2, B3, उसके बाद C1, C2, C3। बोलिए ये किसका मान है? डेल वन का मान है ना? तब ने A1, A2, A3 के जगह D1, D2, D3 डाल दिया, डेल वन का मान है। अभी हमने आपको तीन इक्वेशन दिखाया था बोर्ड पर, अभी तुरंत था हमने मिटाया। क्या कि तीन इक्वेशन दिया था, पहला A1x + B1y + C1z = D1, दूसरा A2x + B2y + C2z = D2, तीसरा A3x + B3y + C3z = D3 है। इस यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं सर डिटरमिनेंट ऑफ, देखिए D1 के जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, A1x + B1y + C1z, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने तुरंत पढ़ा है A1x + B1y + C1z = D1। फिर D2 की जगह पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, A2x + B2y + C2z, और D3 की जगह पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, A3x + B3y + C3z इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लिख दिया आराम से, बोलो कोई तकलीफ है? उसके बाद हमने क्या लिखा, B1, B2, B3, फिर हमने क्या लिखा, C1, C2, C3। जरा गौर करिए, इतना बराबर क्या है, डेल वन, इतना बराबर क्या है, डेल वन, ध्यान दीजिए है ना। हमने D1, D2, D3 के जगह पे लिखा, ध्यान दो भैया, D1, D2, D3 के जगह पे क्या लिखा, D1 के जगह पे लिखा A1x + B1y + C1z, D2 के जगह पे लिखा A2x + B2y + C2z, D3 के जगह पे लिखा A3x + B3y + C3z है। उसके बाद देखिए B1, B2, B3, उसके बाद C1, C2, C3, कोई तकलीफ का बात है? कोई तकलीफ का बात नहीं है, बराबर हमने लिखिया डेल वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ सरल करते हैं। आपको हमने डिटरमिनेंट में बहुत सारा ऑपरेशन बताया था, ध्यान दीजिएगा। इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे दिया हुआ B1y, B2y, B3y, और यहाँ पे दिया हुआ B1, B2, B3, अगर इसको y से मल्टीप्लाई कर दें, B1y, B2y, B3y, ये घट के खत्म। फिर यहाँ देखो C1z, C2z, C3z, और यहाँ आपका है C1, C2, C3, अगर इस तीनों को z से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर हो जाएगा, घटाने पे कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस ऑपरेशन को हमने कहा कॉलम 1 2 कॉलम 1 माइनस, इसको किससे गुणा करेंगे, y से, y times of column 2 minus z times of column 3, है ना। कॉलम 1 माइनस y times of column 2 minus z times of column 3, ठीक है, ऐसा लिख देंगे कॉलम 1 माइनस y times of column 2 minus z times of column 3, ठीक है। अब आपका देखिए कैसा होगा, ये आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, A1x + B1y + C1z, इसमें किसको घटाया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसको घटाया, कॉलम टू को y से गुना करके, तो B1 को y से गुना करोगे तो B1 को y से गुना करोगे तो -B1y, फिर कॉलम थ्री को z से गुना करके तो क्या होगा, -C1z हो गया। फिर अगला स्टेप देखिए, A2x + B2y + C2z, ठीक है, फिर कॉलम टू को y से गुना करके -B2y, कॉलम थ्री को z से गुना करके -C2z, बोलो चलेगा। अब तीसरा रूम आगो, A3x + B3y + C3z, इसमें किसको घटाया, कॉलम टू को y से गुना करके तो -B3y, फिर कॉलम थ्री को z से गुना करके -C3z, फिर कॉलम टू जस का तस होगा, कॉलम टू में आपका क्या होगा, B1, B2, B3, बोलो B1, B2 और B3, और कॉलम थ्री में क्या होगा, C1, C2 और C3, बोलो कोई तकलीफ का बात है, इतना बराबर क्या होगा, डेल वन, इतना बराबर क्या होगा, डेल वन। विश्वास करते हैं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, इतना बराबर क्या होगा, डेल वन, बोलिए पकड़ पाओगे क्या, इतना बराबर हमने क्या लिखा, डेल वन। अब देखो क्या क्या कटेगा, B1y, B1y कट गया, C1z, C1z कट गया, B2y, B2y कट गया, C2z, C2z कट गया, B3y, B3y कट गया, C3z, C3z कट गया, कटा। अब जितना कट गया उसको कटने दीजिए, कट गया, अब जो बचा उसको आप लिखो,
घटाने के लिए हमने कैसा एलिमेंट्री ऑपरेशन किया था, ठीक है। आप देखिए गौर से देखिए, पहला कॉलम में आपका क्या बचा उस पर विचार करिए। पहला कॉलम में आपका बच गया a1x, a2x, a3x, दूसरा कॉलम में b1, b2, b3, तीसरा कॉलम में c1, c2, c3 बराबर डेल वन, चलेगा? ध्यान दे रहे हो? अब एक बात बताइए, पहला कॉलम में क्या आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? हाँ सर, नजर आ रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम एक्स है। क्यों? नियम है, एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। एक्स को हमने कॉमन लिया, एक्स को अगर कॉमन लेंगे अंदर में क्या बचेगा, ए वन ए टू ए थ्री, फिर यहाँ क्या बचेगा, बी वन बी टू बी थ्री, फिर यहाँ क्या बचेगा, सी वन सी टू सी थ्री, बराबर आपका क्या होगा, डेल वन। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब एक्स गुना ये जो आपको दिखाई पड़ता है इसको हम क्या बोलेंगे, डेल। क्या बोलेंगे, डेल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स गुना डेल बराबर डेल वन। इसका मतलब एक्स बराबर क्या होगा, डेल वन बाय डेल। ध्यान दीजिए भैया, एक्स बराबर आप लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, डेल वन बाय डेल, ठीक है। देखो जल्दी से, निकलिए सब। अब आखिरी कॉन्सेप्ट जिसमें सारा कुछ समाया हुआ है, यह आपने सीख लिया, एक्स बराबर डेल वन बाई डेल। उसी तरह जब हम मान लीजिए ए वन ए टू ए थ्री, डी वन डी टू डी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री बराबर डेल टू लेंगे तो वाई का मान आ जाएगा डेल टू बाई डेल, उसी तरह जेड का मान आ जाएगा डेल थ्री बाई डेल, ठीक है बेटा। अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, जो आपके एकदम रिसर्च का कॉन्सेप्ट है। बहुत कठिन कॉन्सेप्ट को हमने बड़ी आसान तरीका से बताया है आपको, बताएंगे तो आप एकदम आप हर्षचकित हो जाएंगे कि इतना कठिन कॉन्सेप्ट को इतना आसानी से कैसे बताया गया है, ठीक है। आपको हमने सिखाया x बराबर होगा डेल वन बाय डेल, y बराबर होगा डेल टू बाय डेल, z बराबर होगा डेल थ्री बाय डेल। तो इसका मतलब जब तीन ऑर्डर वाला, तीन लीनियर इक्वेशन वाला, तीन वेरिएबल रहेगा, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डेल निकालोगे, निकालोगे ना, उसके बाद आप डेल वन डेल टू डेल थ्री को निकालोगे, क्योंकि सबसे पहले निकालना है डेल, चाहे दो वेरिएबल वाला हो चाहे तीन वेरिएबल वाला हो, वही सवाल के आगे के कंडीशन को बताएगा कि डेल निकालने से ही आपको पता चलेगा कि ये सवाल का आगे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल, जरा गौर करना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में निकालेंगे डेल, क्या निकालेंगे, डेल, डेल बराबर व्हाट, इस प्रकार आप लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल निकालेंगे, डेल निकाल लिया। अब सवाल उठता है कि डेल का क्या होगा, सर दो बात होगा, या तो दुनिया में डेल का मान जीरो के बराबर होगा या तो डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। तो सवाल उठता है, जब सर डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, या तो डेल का मान जीरो के बराबर होगा, या तो डेल का मान जीरो के बराबर होगा, यही दो कंडीशन होगा, कोई तीसरा कंडीशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो सवाल उठता है, जब डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंजिस्टेंट। आपको हम सिखाए थे कंजिस्टेंट शब्द का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसका सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं कंजिस्टेंट, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे अनंत सॉल्यूशन हो। तो जब डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे कंजिस्टेंट। अब कंजिस्टेंट में दो बात होता है, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, अनंत सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कैसा सॉल्यूशन होगा, यहां पे होगा यूनिक सॉल्यूशन। बोलो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कंजिस्टेंट में, ठीक है, समझ गए, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसका हिंदी होता है अद्वितीय हल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए,
जब आपके डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कंजिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। आप कहोगे कैसे निकालेंगे, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन वही फॉर्मूला, एक्स बराबर डेल वन बाय डेल, ठीक है, वाई बराबर डेल टू बाय डेल, ठीक है, जेड निकालोगे जेड बराबर डेल थ्री बाय डेल, और तीनों का क्या कंसेप्ट है, डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए बात को, ठीक है। क्या बताया आपको, जब डेल का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कंजिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब एक्स बराबर डेल वन बाय डेल, वाई बराबर डेल टू बाय डेल, जेड बराबर डेल थ्री बाय डेल, और यही अगर दो तो वेरिएबल वाला होगा तो खाली एक्स और वाई का मान निकलेगा, जेड का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, सर अगर सर डेल का मान 0 हुआ तब क्या हो? देखो डेल का मान 0 हुआ तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना चीज है, डेल और उसके बाद डेल वन डेल टू डेल थ्री, यही चीज है। मान लो जब तीन वेरिएबल वाला होगा तो एक डेल और उसके बाद डेल वन डेल टू डेल थ्री, अगर नीचा वाला 0 हो जाता है तो हम ऊपर वाले का मान निकालेंगे। ध्यान देना, अगर डेल का मान नीचा वाला अगर कभी 0 हो जाएगा तो हम किसका मान निकालेंगे, ऊपर वाले का, किसका मान निकालेंगे, ऊपर वाले का। जरा गौर करना, अगर डेल का मान 0 हो जाएगा तो हम लोग मान निकालेंगे डेल वन डेल टू और डेल थ्री का। अब आपको बता दें, अगर संजोग से डेल वन डेल टू डेल थ्री का भी मान 0 हो जाए, मैंने डेल वन बराबर डेल टू बराबर डेल थ्री बराबर 0, अगर ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दो, जबकि डेल का मान 0 होगा साथ ही साथ डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों निकालने पर, ये तीनों भी अगर आपका 0 आ गया, डेल वन डेल टू डेल थ्री भी 0 आ गया, तो ये आपका कंजिस्टेंट होगा। इसको भी बोलेंगे कंजिस्टेंट। कंजिस्टेंट शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन निकलता है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजिस्टेंट। लेकिन यहां जो कंजिस्टेंट होगा उसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या लिया होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इसका अनंत हल होगा। बोलो कितना हल होगा, अनंत हल होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। बोलो कोई तकलीफ का बात है क्या, फिर से सुन लीजिए। हमने आपको कहा जब डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों का मान 0, पहले जब डेल का मान 0 हुआ साथ ही साथ डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों का मान 0 हुआ, ये कंजिस्टेंट होगा, यह है ना, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और इसी के लिए एक शब्द का और यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बोलो क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लिख लीजिएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके क्लियर है, अब एक और चीज बचा उसको लिख लो। अब सवाल उठता है, सर एक बात बताइए, आपने कहा कि जब डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों का मान 0 होगा तो ये बात होगा, ठीक है। मान लीजिए डेल वन 0 हो, डेल टू 0 हो, लेकिन डेल थ्री 0 नहीं हो, या डेल वन डेल थ्री 0 हो, डेल टू 0 नहीं हो, मतलब डेल वन डेल टू डेल थ्री में से कोई एक ठो ऐसा हो या दो ठो ऐसा हो जो 0 नहीं हो, समझ गए बात को, तब क्या होगा। चलिए उसके लिए आप यहां लिखिए कंडीशन, आप लिखिए इफ एनी ऑफ डेल वन कोमा डेल टू कोमा डेल थ्री आर नन 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम ये बोलना चाहते हैं अगर डेल वन डेल टू डेल थ्री में से कोई भी ऐसा हो जो 0 के बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, उसी को हमने क्या कहा, नॉन जीरो। हमने कहा एनी ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री आर नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो होगा, मान लो आपने डेल वन डेल टू डेल थ्री का मान निकाला, तीनों में एक तो ऐसा हो गया जो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो ये आपका क्या होगा जानते हैं, ये आपका होगा इनकंजिस्टेंट, इनकंजिस्टेंट। और आपको मालूम है इनकंजिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, यानी नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में इसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए बात को, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको ये चार्ट को समझा दें, है काफी मैजिकल चार्ट है, एक जादुई चार्ट है, मैजिकल चार्ट है आप लोगों के लिए। हमने कहा कि डेल का मान हम निकालेंगे,
या तो डेल का मान जीरो के बराबर नहीं आएगा या तो डेल का मान जीरो के बराबर आएगा। अब सवाल उठता है, जब डेल का मान जीरो के बराबर नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे कंजिस्टेंट, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और एक्स बराबर होगा डेल वन बाई डेल वाई बराबर डेल टू बाई डेल जेड बराबर डेल थ्री बाई डेल, डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन जब डेल का मान जीरो के बराबर हुआ तो हम आगे भी जांच करेंगे, हम लोग किसका मान निकालेंगे, हम लोग मान निकालेंगे डेल वन डेल टू डेल थ्री का। ध्यान दीजिए, जब डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो वो कंजिस्टेंट होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। और एक्स का मान कैसे निकलेगा, डेल वन बाय डेल, वाई का मान डेल टू बाय डेल, जेड का मान डेल थ्री बाय डेल। अब वही दूसरा पहलू में, जब डेल का मान जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे डेल वन डेल टू डेल थ्री, तीनों का मान अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है, डेल वन डेल टू डेल थ्री अगर तीनों का मान जीरो आ गया, मैंने पहले डेल का मान जीरो आया और उसके बाद डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों का मान जीरो आ गया संयोग से, तब उसको हम बोलेंगे कंजिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंजिस्टेंट। और उसका कैसा सॉल्यूशन होगा, उसका होगा कैसा सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर डेल वन डेल टू डेल थ्री में कोई एकोट हो ऐसा हो जो जीरो नहीं हो, इफ एनी ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री आर नॉन जीरो देन, है ना, इफ एनी ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री आर नॉन जीरो देन दे हैव नो सॉल्यूशन, आई मीन दे आर कंजिस्टेंट। वो क्या होगा, इनकंजिस्टेंट होगा, इनकंजिस्टेंट होगा, समझ गए। याद रखना, कंजिस्टेंट शब्द का मतलब जिसका सॉल्यूशन होगा, इनकंजिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा, समझ गए बात को। ओके, विश्वास करते हैं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, मेन वही बात है कि हम लोग जो एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया यहाँ डेल वन बाई डेल, ठीक है। वाई बराबर क्या हो गया, डेल टू बाई डेल। तो जेड बराबर क्या हो गया, डेल थ्री बाई डेल। लेकिन तीनों परिस्थिति में क्या है, डेल का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है, जब डेल जीरो होगा तब क्या होगा, तो डेल जब जीरो होगा तो हमको ऊपर वाला डेल वन डेल टू डेल थ्री निकालना होगा, और जब डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो आ गया तो कंजिस्टेंट होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और एनी ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री आर नॉन जीरो देन इनकंजिस्टेंट दे आर नो सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके साथ हमने आपको क्रेमर्स रूल का सारा कंसेप्ट बता दिया, दो वेरिएबल वाला दो इक्वेशन रहेगा कैसे बनाना है, तीन वेरिएबल वाला रहे तीन इक्वेशन रहेगा कैसे बताना है, ठीक है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आपने सीखा था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां भी आपने तीन लीनियर इक्वेशन तीन वेरिएबल वाला था उसको सॉल्व करने के लिए सीखा था, है ना। लेकिन वहां आपने मैट्रिक्स का यूज करके बनाया था, आपने एक्स का मान निकाला था ए इनवर्स बी, जहां ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है ऐसा। और ये भी चैप्टर वही है, सेम है, सवाल वही है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है, क्रेमर्स रूल है, समझ गए बात को। आसान सा एक्सरसाइज है, अगला क्लास में हम आपको प्रयास करेंगे इसका सारा क्वेश्चन बता दें, ठीक है। विश्वास करते हैं इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे थोड़ा एक दो बार और देखने का समझने का प्रयास करेंगे, और भी दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन लिखकर हमको व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।